केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कोई भूखा न सोए मुहिम के पूरे हुए 61 दिन। प्रीतम गाड़िया। नगर परिषद वार्ड 6 के पार्षद प्रीतम गाड़िया के द्वारा शुरू की मुहिम को आज 2 महीने से अधिक हो गए और यह सेवा निर्वाध रूप से जारी है। इस मुहिम में +2 विद्यालय गोड्डा के 96 बैच के कक्षा मित्रों का सहयोग भरपूर मिला, जिनके सहयोग से यह मुहिम आज तक चल पा रही है। श्री गाड़िया ने बताया कि अब सैकड़ों लोगों को इस मुहिम के माध्यम से खाद्यान्न पैकेट, जिसमें चावल, दाल, तेल, नमक, चूड़ा, साबुन, आलू और कई तरह के मसालों की सेवा प्रदान की गई। व्यक्तियों की पहचान हेतु सभी वार्ड पार्षदों से अनुरोध किया गया था, जिसमें धर्मेंद्र हाजरा, गप्पू सिन्हा, गुनानंद झा, शाहिल मेहरा, शंभु झा एवं दिलीप साह पार्षदों ने अपने अपने वार्डों से योग्य लाभुकों को स्वयं आकर सामान उपलब्ध करवाए। श्री गाड़िया ने बताया कि लॉकडाउन 1 में स्वयं निर्मित मास्क और एक साबुन की सेवा संपूर्ण वार्ड में उपलब्ध कराई गई थी, तो लॉकडाउन 2 में सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर से लगभग 40 लोगों को सेवा प्रदान की गई और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा उपलब्ध इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कबशुर पुडिनी वितरित किया गया। साथ ही और भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई। श्री काड़िया ने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जनता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है। वो स्वयं आजीवन मानव सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इस जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रीतम गाड़िया, वार्ड पार्षद 6 से। कोई भूखा ना रहे मुहिम की शुरुआत मैंने 10 मई से की थी, जब किसी एक भाई का फोन आया था और मैं विचलित हो गया था। इस मुहिम में हमारे हाई स्कूल के 96 बैच के मित्र गणों ने भी बहुत काफ़ी मदद की। हमारे नगर के वार्ड पार्षद ने हमें चिन्हित करने का अवसर प्रदान किया कि हम योग्य व्यक्ति तक पहुंच पाएँ, जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा, जिनके यहाँ सच में आवश्यक है सामग्रियों की, वहाँ तक पहुँच पाएँ। हमने हमारे आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे ने हमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था, उसके द्वारा हम लोगों ने कम से कम 35 से 36 लोगों को सेवा प्रदान की और अब तक हमने सैकड़ों लोगों को अनाज का पैकेट मुहैया कराया है। लॉकडाउन फर्स्ट में मेरे द्वारा स्वनिर्मित, मेरी पत्नी और मेरे द्वारा निर्मित मास्क हमने घर घर पहुंचाया था, साबुन हमने पहुंचाया था और इस बार भी हमने जहां तक संभव हो सका, जिनकी जिस तरह की आवश्यकताएं थी, आवश्यकता तो अनंत है मनुष्यों के लिए, जो आवश्यक सामग्री थी, चाहे वो बच्चों के लिए दूध का पैकेट हो या और भी कुछ जिनको आवश्यकता जिस प्रकार लगी, हमने उसके अपनी सेवा दी है। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जनता की सेवा से बड़ा धर्म किसी के लिए नहीं है। मैंने अपना आजीवन, ये जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, पूर्णतः समर्पित कर दिया है। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मानव सेवा करता रहूँगा, इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और जब भी मेरी जहाँ भी जिस भी रूप में आवश्यकता पड़ेगी, मैं हमेशा तन मन धन से हमेशा उपस्थित रहूँगा और समाज के कार्यों में, समाज के लोगों के साथ तत्परता से, दृढ़ता से, मजबूती से हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।